गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे कैसे हो आप लोग? देखिए, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको आज इंग्लिश की क्लास है, एज यू ऑल नो, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक पैराग्राफ राइटिंग दिया था, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। उसमें से आपने उनके क्वेश्चन आंसर्स को भी सर्च किया था, फिर आपने उनको अच्छे से करके लिखा था। आफ्टर दैट आपने वर्ड अपोजिट भी किए थे। अभी मैं उनका वो मतलब मैंने अभी बता दूंगी मैं उनके आंसर्स अगले वीडियो में। अब आपको क्या करना है, फिर से कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिनमें एक सेक्शन वर्ड अपोजिट का है। वो जो अपोजिट आपने किए थे वो पैराग्राफ में से ही आपको सर्च करने पड़े थे, लेकिन ये जो अपोजिट्स हैं ये क्या है, दे आर फुली अननोन। आपको अपनी नॉलेज के बेस पर इसको करना है, करके देखना है। मैं आंसर्स भी बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, सुंदर सुंदर, है ना। तो सुंदर का ऑपोजिट क्या होता है, गंदा, भद्दा, बेकार, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का ऑपोजिट हो जाएगा अगली। क्या होगा, अगली, UGLY। जैसे कलरफुल है, कलरफुल मतलब रंगों से भरा हुआ, रंग बिरंगा। तो रंग बिरंगे का उनका क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है, बेरंग, तो कलरलेस। कलरलेस, ठीक है। ऐसे ही डेंजरस, बिगेन, बिगेन में शुरुआत करना, ये सेकंड फॉर्म है बिगेन का। एज स्लीप एंड फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, स्लीप सोना, ठीक है। इनके आपको ऑपोजिट लिखने हैं। आप कोशिश करिएगा, नहीं आते हैं तो मैं आंसर्स बताऊंगी। अब जो इम्पोर्टेंट काम है वो एकदम नई चीज़ है आपके लिए, मेक सेंटेंस। जैसे बच्चों इंग्लिश में 25 लेटर्स होते हैं, 25 नहीं, 26, मतलब 5 वोवल्स प्लस 21 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इनको मिला के बनता है 26। अब सेंटेंस, हम सेंटेंस की बात कर रहे थे, तो जब एक एक लेटर को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक प्रॉपर मीनिंग बन जाता है, उस मीनिंग का एक सेंस निकलता है। जैसे EXCITED, QUILT, BEAUTIFUL, तो ये इंग्लिश के लेटर्स ही तो हैं जिनको जब मैंने एक ऐसे सीक्वेंस में रखा कि एक प्रॉपर मीनिंग बन गया, तो इसका सेंस क्या निकला, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ठीक है। ये सुंदर, इसका एक अर्थ निकल गया। अगर मैं इसको बी को यहाँ लिख देती, टी को यहाँ लिख देती, यू को इधर लिख देती, आई का, तो ये वर्ड का अरेंजमेंट तो हो जाता, लेकिन कोई सेंस नहीं निकल पाता, ठीक है। वर्डों का इस तरीके से अरेंजमेंट कि उसका एक सेंस निकले, वो कहलाता है शब्द। और जब कई सारे शब्द को एक प्रॉपर वे में हम अरेंज कर देते हैं, मतलब सब्जेक्ट भी हम उसमें लिख देते हैं, फिर वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम अदर वर्ड्स का, जैसे एडजेक्टिव है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जब हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाते हैं, तो जब एक सेंसफुल एक सेंटेंस बनता है, वो उसे हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, लेकिन सेंटेंस में की कंडीशन क्या है कि उसमें एक डेंजरस, जो ये वर्ड दे दिया गया है डेंजरस, वो वर्ड आना चाहिए, एक्साइटेड आना चाहिए, क्विल्ट आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका बताती हूँ कि डेंजरस, तो आप क्या लिख सकते हो, लॉयन इज अ डेंजरस, ठीक है, एनिमल, एनिमल। लॉयन कैसा है, डेंजरस एनिमल है, तो आपने ये कर लिया। एक्साइटेड भी आप कर सकते हो, आई एम वेरी
एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, विल का भी आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपको करना है। अब जो चीज़ें आती हैं, ये मे भी आप लोगों के लिए ये पोर्शन टफ हो जाए, सो डोंट वरी, रेगुलर प्रैक्टिस कर करके हम आ जाएंगे। इसमें आपको टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल नई हैं आपके लिए। आप जब थर्ड में, फोर्थ में इन सारी क्लासेस में जाओगे तो इन सारी चीज़ों से आप ऑटोमेटिकली फैमिलियर हो जाओगे। इधर आपको बस मैंने थोड़ा सा एक इसका ट्रेलर दे दिया है कि आपको ये सारी चीज़ें भी सीखनी है। अब क्या आती है, हमारा एक नई चीज़ आती है, इसमें इसको बोलते हैं पंक्चुएशन। इसमें क्या है, पुट कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और यूज़ कैपिटल लेटर वेयर एवर रिक्वायर्ड। अब ये देखो, कोई भी सेंटेंस होता है तो उस पर लिखने का एक मैनर होता है। आपको जो भी सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग लेटर आपको कैपिटल लेटर बनाना होता है। अगर कोई नाउन वर्ड है तो वहाँ पे भी आपको कैपिटल लेटर से उसको शुरुआत करनी होती है। बीच बीच में पॉज देने के लिए और एक कंप्लीट सेंस और एक मीनिंगफुल सेंस निकालने के लिए वहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं। सपोज दैट वी आर आस्किंग एनी क्वेश्चन, देन वी विल पुट क्वेश्चन मार्क देयर। इन सारे जो सिंबल्स को, इन सारे साइंस को लगाने से हमारा जो एक राइटिंग पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और सही जो सेंटेंस की बनावट होती है वो भी समझ में आ जाती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल को हम करके देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली का जो डी है वो स्मॉल लेटर में है जबकि वो होना चाहिए कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो दिल्ली इज द कैपिटल, अब इंडिया देखो, इंडिया को तो इंडिया इस तरीके से। अब सिंस दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ पूछ नहीं रहा है, दिस इज़ एन आंसर फॉर्मेट, सो वी विल पुट ओनली फुल स्टॉप देयर। सपोज दैट अगर इस तरीके से पैटर्न होता है इस सेंटेंस का कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज आस्किंग अ क्वेश्चन ना, दिस सेंटेंस इज आस्किंग अ क्वेश्चन दैट व्हिच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो यू विल यूज क्वेश्चन मार्क हियर। बट दिस इज सिंपल अ सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो वी विल पुट फुल स्टॉप ओनली हियर। ऐसे ही मे आई कम इन, बियर, क्रो, रैट एंड ह्यूमन ईट एवरीथिंग, तो इसमें आप कोशिश करिएगा अपनी एप्टीट्यूड पे कि क्या आएगा इसका, क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, उसके बाद आप कीजिए, मैं आपको इसके आंसर प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। आप लोग जो भी कीजिए उसको ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा सो दैट मैं उसको चेक करूँ। लेकिन आप लोग बहुत लेट करते हो तो कभी कभी मैं उसको चेक नहीं कर पाती हूँ। आप लोगों का क्या प्रॉब्लम रहता है कभी कभी कि आप जैसे ही एक क्लास का टाइम ओवर हो जाता है आप उस सब्जेक्ट को रखते नहीं है बेटा, है ना, जबकि आपको क्या करना चाहिए, जब दूसरी क्लास का टाइम हो जाए तो उतनी उस टाइम पे पहली वाली क्लास का काम छोड़ देना चाहिए, आपको वो काम बाद में कर लीजिए। लेकिन आप क्या करते हो कि दूसरी क्लास के टाइम में पहली क्लास का काम करते हो, इसीलिए इस वाली क्लास में आपका यहाँ का वर्क छूट जाता है, फिर ये क्लास ओवर हो जाने के बाद आप इसका काम शुरू करते हो, तो क्या होता है, मैं चेक नहीं कर पाती हूँ। अब ये तो नॉर्मल सी है कि पूरे दिन तो कोई भी बैठा नहीं रहेगा ना फ़ोन पे या फ़ोन को यूज़ नहीं करेगा, तो इसीलिए आप जो क्लास का जिस टाइम टाइम हो आप उस टाइम पे वही काम कीजिए, है ना, ठीक है, ओके, बाय बाय।